हिमाचल प्रदेश इंटक नेता एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि श्री नैना देवी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1.5 महीने पहले घोषणा की थी कि मंदिर न्यास द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री नैना देवी को सरकारी किया जाएगा, मात्र एक चुनावी स्टंट था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक लॉलीपॉप देकर लोगों को बेवकूफ बनाया तथा अभी तक कोई भी ऐसी अधिसूचना सरकार ने जारी नहीं की है। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर 15 दिन के अंदर यहां पर स्कूल में जो अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा नहीं गया, समीप के सभी पंचायतों के लोग अपना प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिनके टीचर नहीं है, जिनके अध्यापक नहीं है और बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये खरकड़ी पंचायत, मंडियाली पंचायत, क्वांडल पंचायत और एमसी का जो एरिया है, ये सारे इस क्षेत्र के बच्चे जो हैं इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री नैना देवी में पढ़ते हैं। साइंस के टीचर नहीं हैं। अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ श्री नैना देवी में आए थे, उन्होंने घोषणा की कि इस स्कूल को हम सरकारी दर्जा दे रहे हैं, इसको हम टेक ओवर कर रहे हैं। अच्छी बात है, टेक ओवर कर लें, मगर आपके सरकारी स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल है। और आज मैं तो ये कहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस श्री नैना देवी के इस स्कूल के अंदर आप तुरंत अध्यापकों का प्रबंध करें, आप टीचरों का प्रबंध करें और जो सरकारी दर्जा देने की बात है वो बाद की बात है। और ये मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा कह के उस घोषणा का अभी कोई अमल नहीं हुआ है और ये सितंबर महीना आने वाला है, बच्चों की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों को विफूल करने वाली बात है। क्योंकि हमें पता है कि ये इलेक्शन का अभी इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो लोगों को वर्गलाने की बात है। और आज हम इस मंच से मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल के अंदर तुरंत 15 दिन के अंदर जितने भी ये पिछले कई वर्षों से जो सरकारी जो टीचरों का टोटा है, जो टीचरों की कमी है, उसको पूरा किया जाए, अन्यथा हम 15 दिन के बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी चाकआउट करेंगे और हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो। एंस्टा न्यूज़ में श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट। यार है।